कैसे हैं सारे जरूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आप सभी के लिए खुशियां भरा हो और तरक्की भरा हो, तो यही दुआ करूंगी। आप लोग हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, इसी के ऊपर होने वाली है, हमारे किन्नौर में नया साल किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और हमारे किन्नौर में जो अपर किन्नौर एरिया है वहाँ पर न्यू ईयर लोसर के नाम से जाना जाता है। और ये लोसर आपको लाहौल स्पीति में भी देखने को मिलेगा, लद्दाख में भी देखने को और तिब्बत में भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारे किन्नौर के अपर एरिया में मनाया जाता है लोसर। और जो किन्नौर के लोअर एरिया है वो लोहड़ी के बाद नया साल मानते हैं, अपर एरिया में लोसर के बाद नया साल मानते हैं और लोअर किन्नौर में लोहड़ी के बाद। तो ये सब कुछ आज मैं आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। और आज मैं जा रही हूँ अपर किन्नौर के लिप्पा गांव में, जहाँ पर मेरे मासी और मासड़ रहते हैं। मैं उन्हीं के पास ही जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। वहाँ का जो भी नया कल्चर रिचुअल है वो मुझे देखने को मिलने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लोसर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, आज मैं आप लोगों को लिप्पा गाँव में लोसर का त्यौहार कैसा मनाया जाता है उसके बारे में संक्षिप्त में वर्णन करता हूँ। लोसर का मतलब है नया साल। लोसर के दिन हम सबसे पहले दिन जो अपना पुराना दरबोचे होता है उसको उतारते हैं और नया दरबोचे लगाते हैं। उसके बाद फिर शाम के टाइम फुल्लू बना के पूजा करते हैं और रात को हम मिस्तो बनाते हैं। जैसा मिस्तो ऐसा बनाया जाता है। अच्छा, तो ये किससे बनाते हैं वैसे? क्या आटा यूज किया है? नहीं, सत्तू। अच्छा, जौ का आटा से बनाया जाता है। अच्छा, जौ के आटे से बनाते हैं, फिर इसमें मक्खन लगाते हैं। अच्छा, फिर तैयार करते हैं। तो मतलब इसका गाइस आप लोग देख सकते हैं शेप कुछ इस तरीके से, कि किस तरीके से बनाया शेप इसका, क्या बोलते हैं, त्रिभुज, तीन कोना में बनाते हैं त्रिशूल की तरह। अच्छा, बनाते हैं, तीन कोना वाला बनाते हैं। अच्छा, तो ये साइडों से आप मक्खन लगा रहे हैं? साइडों से मक्खन लगाएंगे और फिर ऊपर भी बनाएंगे, बीच में भी लगाएंगे। अच्छा, नीचे से फिर इसमें बोल्टू बना के वो बिछाते हैं, चिल्टा बिछाते हैं, तो फल फ्रूट सब सारा फिर वो बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब इसको बनाने का क्या पर्पस है? ये लोसर, लोसर के लिए शुभ, के लिए शुभ माना जाता है। अच्छा, पुराने जमाने से चली आ रही है परंपरा। अच्छा, इसी को मानते हैं हम लोग। फिर शुभ कार्य के लिए, नया साल के लिए, तो ऐसा प्रंगेस त्रिमेल के लिए ऐसा बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब एक शुभ है ये चीज़ आप लोग शुभ मानते हैं। हाँ, नया साल का। अच्छा, कल के लिए तैयारी करनी, कल पूजा करने के लिए सवेरे। अच्छा, क्या बोलते हैं, अभी तो पकौड़ा भी बनाना है, पोल्टू बनाया है सवेरे के लिए, पूजा करते हैं सवेरे करते हैं। अच्छा, सुबह सुबह करेंगे? हाँ, सुबह सुबह करेंगे। अच्छा, अभी और क्या क्या बनाएंगे? अभी मैंने क्या बोलते हैं, पकौड़ा बनाना है अभी और भी तलना है, क्या बोलते हैं, फूल फुलवाड़ी भी। अच्छा, तलना है सारा सामान, तो बना के रखना पड़ता है अभी सुबेरे। अच्छा, सुबह सुबह। गाइस देखिए, यहाँ पर भेड़ और हिरन भी बनाया जाता है आटे से। तो ये आटा बकवीट और नॉर्मल जो हमारे गेहूँ का आटा होता है वो मिक्स करके बनाया गया है। और यहाँ देखिए मसल जी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? हो
हिरन। अच्छा हिरन बना रहे हैं, तो कितना क्यूट बना रहे हैं। ये इसकी छोटी छोटी टांग बन रही है, देखिए। तो ये किस लिए मनाते हैं? ये भी अब पता नहीं, अब बुजुर्गों ने क्या क्या बना के रखा हुआ पहले जमाने से। अच्छा शुरू से चला आ रहा है। अच्छा तो मतलब ये सब साइन मुझे लगता है कि एक अपना खुशी व्यक्त करने का और शुभ हो, नया साल की उसके लिए। हाँ शुभ हो, सब कुछ अच्छा हो, इसीलिए मनाया जाता है। गाइस देखिए ये पककर तैयार हो गए हैं, इन्हें यहाँ तंदूर पे अच्छे से पकाया है, ये देखिए। यस हमारा लशुत बोलते हैं, ये जो है अभी शाम को लगा रखते हैं, फिर इसको हम माला पहनाएंगे, खदक्स लगाएंगे। अच्छा इसकी भी पूजा होती है? पूजा तो मतलब माला वगैरह पहनाकर झंडे के पास ही लगा रहे हैं ना, दर्शोत के पास ही, जहाँ अपना जो झंडा होता है वहीं उसी पे लगाया जाता है इसको। अच्छा फिर इसको हम क्या बोलते हैं, माघ एक तारीख के बाद निकालते हैं, तब तक नहीं निकालते हैं। अच्छा तब तक ये ऐसे ही बंधा रहने देते हैं? तब ऐसे ही बंधा रहते हैं। अच्छा तो ये इसको खदक्स देते हैं। अच्छा खदक्स के बाद फिर इसको भी माला पहनाते हैं। यहाँ देखिए मैं चिलगोजे की माला बना रही हूँ, तो ये माला हम सुबह पहनेंगे है ना, एक दूसरे को पहनाएंगे। हाँ तो इवन जानवरों तक को भी पहनाया जाता है, अपने घर में जितने जानवर है सभी को माला पहनाया जाता है। फसल का पहला दिन है आज का दिन, मिस तो है इस, और सवेरे उठते ही हम जब कोई आदमी भी ना देखे और कोई पशु भी ना देखे, तब सुबह उठ के अपने घरों के दरवाजे के ऊपर तीन ताशीस लगाते हैं, ऐसा रोज सुबह ताशी बोलते हुए, मतलब हर दरवाजे के ऊपर, मतलब शुरुआत आगाज, जैसा हम किसी मतलब जैसा बेटी के बदल पूजा जाते हैं वहाँ पे, जैसा सब कुछ करने के बाद जब ताशीस देते हैं, ऐसे ही हम आज जो है पूरा मिस्तो बनाने के बाद जो ताशीस लगाते हैं अपने घर के दरवाजे के ऊपर, ये सारे दरवाजों में लगाएंगे। हाँ साथ में मुँह से बोलेंगे लो सुमा ताशी, लो सुमा ताशी, ऐसा लगाना पड़ता है। और ये क्या है, आटा है? सत्तू और मक्खन है, मक्खन है, मक्खन। अच्छा बनाया हुआ है इसलिए मुँह से वाला हम बोलते हैं लो सुमा ताशी बोलते हैं। अच्छा लो सुमा ताशी, और पहले से सत्तू का लगाते हैं और बीच से मक्खन का ताशी लगाते हैं, ऐसा। अच्छा हमारा मिस्तो बन के तैयार है और माला लगा के बिल्कुल तैयार है। इसमें जो चीज़ें सामान जो हमने लगाया है, सेब ड्राई फ्रूट्स जो भी है, ये हमारा एक हिसाब से साल का फसल अच्छा आए बरगद दे करके तभी हमने ये लगाया हुआ है। ये अच्छा वो वहाँ लोटे में क्या रखा? लोटे में ये लस्सी है, ये है कोरंग बोलते हैं हमारा। अच्छा एक साइड कोरंग लस्सी होता है, एक साइड हमारा दारू होता है शराब। अच्छा बाकी ये दिया है, फूल है, बस ये जितने भी इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स लगाया ये अपना जिम्मेदारा घर का ड्राई फ्रूट्स है, ये इसलिए लगाते हैं कि भाई हमारा साल इस बार का साल फसल जो है बड़ा अच्छे से आए, इसलिए बस। अच्छा नया साल में हम जब वो करते हैं तो ये दिया कल रात से ही जल रहा है आपने दिया जो है, ये जब तक इसको हमारा थ्राल में बोलते हैं ना, जब तक ये वो नहीं करेंगे
अच्छा गिराएंगे नहीं? गिरा नहीं गिराते, तक दिया जलते रहना पड़ता है, दिया नहीं बुझना चाहिए हमारा। अच्छा तो आप इसमें तेल लगाते ही रह रहे? नहीं नहीं, तेल नहीं, ये जब खत्म होने लग जाएगा फिर दोबारा। अच्छा दोबारा नया बनाते हैं, भरना पड़ता है। अच्छा मतलब कि दिया जो है जलते रहना चाहिए। अच्छा ऐसे करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद जो है हम अब पूरा परिवार बैठेंगे, माला लगाएंगे, फिर खाएंगे, अपना थाली में सब ड्राई फ्रूट्स रखेंगे, सारा आइटम रखेंगे, बैठ के खाएंगे अब। अच्छा फिर वो खाना खुना खाने के बाद फिर हम बाहर निकलेंगे। अच्छा। बाहर निकल के बाद जो आपको पहला नजर आएगा वही आपका पूरा साल का वो है, क्या बोलते कि भाई आपका साल किस तरह से बीतेगा। हाँ। उसके आधार पर ही आपका साल चलेगा। अच्छा तो चाहे वो हम... याद रखना है कि भाई मैंने इस बार वो देखा था और मेरा साल कैसा बीत रहा है क्या है, उससे आपका पूरा साल का मतलब बता देगा। मतलब वो चिड़िया हो, जानवर हो या इंसान हो, चाहे जानवर हो, इंसान हो, पशु हो, जो भी हो, मतलब अच्छा जो, जो आपका फर्स्ट नजर जाएगा जब खाना खुना खा के जब आप बाहर निकलेंगे। अच्छा वो जो है आपका पूरा साल का मतलब बताएगा। आज का दिन है मतलब सारा परिवार बैठ के पूरा ऐसा सजा के मतलब दिन भर खाने का ही काम है, नमकीन चाय पीते जाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, खबसे खाओ, मटर खाओ, जो भी नेवजा खाओ, बस यही है आज। बस ये सब कुछ खाने के बाद ही तब हम बाहर निकलेंगे और फिर अपना साल का जो है वो हम देखेंगे। तो इसमें सब प्रकार के ड्राई फ्रूट्स है, आप लोग देख सकते हैं, एप्रिकोट, वॉलनट, हाँ। सारा है, मिठाई से लेकर बिस्किट्स वगैरह भी सब रख दिया है इसमें। तो गाइज अभी खाना वाना हो गया है और हम बाहर निकल गए हैं, तो अब मैं देख रही हूँ कि मुझे सबसे पहले क्या नज़र आता है, कोई पक्षी या जानवर या कोई इंसान, बताती हूँ आप लोगों को मैं। लोसर में लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो आज सुबह सुबह जब मैं खा पी कर तैयार होकर बाहर निकली तो सबसे पहले मैंने कुत्ते को देखा, तो पता नहीं, आई डोंट नो कि मेरा साल कैसा रहने वाला है 2023, देखते हैं। Amayo, Alema,
मिस तो क्यों बनाते हैं, मास्टर जी ने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप लोग यहाँ देख सकते हैं सूखे मेवे से लेकर फल, सेब, अनाज जो भी है इसमें हमने ऐड किया था। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो साल है उसमें फल फ्रूट अनाज सब भरपूर रहे, बरगद रहे, इसलिए करते हैं। और शाम ढलते ढलते इस तरीके से जैसे मासी जी पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद इसे गिराया जाता है। जैसे गणेश चतुर्थी में हम गणेश जी की स्थापना करते हैं फिर विसर्जन करते हैं, तो सुबह कल रात को हमने इनकी स्थापना की थी और आज हम इसे गिराएंगे। तो देखिए मासी जी पूजा कर रहे हैं। और जो ये मिस्तों के जो टॉप पर है इसे हम निकाल कर अलग रख देंगे। ये और जो हमने बेड बकरियां बनाई थी इसे हम लोहड़ी तक संभाल कर रख देंगे, फिर उसके बाद इसे फेंका जाता है। तो देखिए यहाँ पे मासी जी निकालने लग गए हैं और इसे थोड़ा सा टेढ़ा करके रख देंगे। तो आज दिन भर जो लोग आए उन्होंने हमारे मिस्तों का दर्शन भी किया और देखिए बस इस तरीके से इसे टेढ़ा कर देते हैं।
हमारा लोसर इस तरीके से बनाया जाता है। लोसर का जो दूसरा दिन होता है उस दिन गांव की महिलाएं जिनके पास पूरी ज्वेलरी है जो कि एक दुल्हन की ज्वेलरी होती है पूरी, तो वो पहनकर आते हैं। बाकी जिनके पास नहीं है वो नॉर्मल किन्नौर की जैसे कान में गले में जो भी थोड़ा बहुत ज्वेलरी है वो पहनकर पूरे बन ठन कर मंदिर में आएंगे और डांस करेंगे। तीसरे दिन नॉर्मल रहता है, नॉर्मल ट्रेडिशनल ड्रेस एंड अटायर तो इस तरीके से रहता है। और ये जो ज्वेलरी है ऑलमोस्ट 10-15 kg इसका वेट रहेगा क्योंकि ये चांदी और सोने से बनी होती है ये ज्वेलरी। और किन्नौर की जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी वाली वीडियो है आप डिटेल उसमें भी देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। छोड़ा
नंबर नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा।